मेरे सीधे भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज की शुभ घड़ियों में मंचासीन साक्षात मिशन का अर्चनीय वंदनीय संत समाज और हमारी आदरणीय संत बहन पूजनीय स्वामी कमलेश भारती जी भी आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पधारी हैं। तो ये गुरु महाराज जी की कृपा, उन्होंने अपना अनुभव आपसे बताया एक कैसे गुरु महाराज जी अपनी ओर उन्हें खींच रहे हैं और बताया बीज तो बचपन से ही डला हुआ था, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के विषय में जो बात प्रसिद्ध है कि एक बार जिन पर उनकी नजर पड़ जाती है वो घर घाट का नहीं रहता, चाहे जब जब गुरु महाराज जी उसको अपनी ओर खींच लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर दर्शन सिद्धि स्पर्श सिद्धि वाक सिद्धि सभी सिद्धियां गुरु महाराज जी के पास किसकी बदौलत थी, दादा गुरुदेव भगवान जी ने जो 14 वर्ष तप करवाया उसकी बदौलत उनके पास वो सारी शक्तियां आ गई। वो हर एक जीव को, क्योंकि उनके विषय में तो प्रसिद्ध था कि भाई बच्चों के ऊपर माताएं कपड़ा डाल देती थी, इन पर गुरु महाराज जी की नजर ना पड़ जाए, अगर नजर उन पर पड़ गई तो वो घर घाट के नहीं रहेंगे, सभी साधु बन जाएंगे, तो बच्चों को भी छुपा कर रखते थे। यहाँ कौन छिप सकता है, गुरु महाराज जी की नजर से कोई नहीं छिप सकता। तो आज हम अपने दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का पावन अवतरण दिवस मनाते हुए, अभी आपने सुना कि हजूर महाराज ने जो परंपरा चलाई कि भाई दादा गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस मनाने के बहाने हम अपने उठे जन्म को मना रहे। अभी बने सुना उठो सोने वालों जगाने वाला, हमारे दादा गुरुदेव हर रूह को सोई हुई रूह को जगाने के लिए इस जगत में आए और वो जगा भी गए। अभी भजनों का सिलसिला चल रहा था और बात चल रही थी महापुरुष क्या कहते, जीवन को परिवर्तन करना, ये जो समय हमें मिला है अपने आप को बदलने का समय मिला है, अगर कहीं हम भूल गए हैं, हम अपने मार्ग से इधर उधर हो रहे हैं, तो हमने मार्ग से इधर उधर नहीं होना, हमें अपने निज घर की पहचान करनी। जीवन कैसे बदलता है, हमने कई लोगों के दृष्टांत सुने, अब वाल्मीकि का जीवन कैसे बदला, क्योंकि तो जिन्होंने भगवान राम का रामचरित मानस लिख डाला तो उनका जीवन कैसे बदला। एक पहलू तो हम सबको पता है, हम कथा सुनते हैं कि भाई वाल्मीकि जी जा रहे थे, उनका काम क्या था, जीवन में मारो काटो छीनो और लोगों को लूटो अपने परिवार का पालन करो, यही जीवन था उनका। लेकिन एक पहलू और भी था जो हमने हजूर महाराज जी के मुखारविंद से सुना, शायद किसी ने सुना, कहते वाल्मीकि जी किसी राजा के घर में काम करते थे, जैसे उनकी जाति थी वो काम करते थे, कहते काम करते करते उनका दिल रानी पर आ गया, ताकि जब तक रानी नहीं मिलेगी, मन है ना जिस पर आशिक हो जाए, रानी पर कहते दिल आशिक हो गया। ये महाराज जी के मुखारविंद से सुनी हुई कथा है कि वाल्मीकि का जीवन कैसे बदला। तो उन्होंने कहा कि भाई रानी पर जब दिल आया उनका खाना पीना छूट गया, खाना पीना ही बंद कर दिया, जब तक मुझे रानी नहीं मिलेगी मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। जब ये बात कही तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति को ऐसा क्या हो गया, कौन सा रोग लग गया। उन्होंने सच में उनको बता दिया, मैं सच बताऊं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं, तो मेरा दिल जो है रानी पर, जब तक रानी नहीं मिलेगा मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं। अब वो पति व्रत में बंधी हुई, कहती अब क्या करूं, संकोच भी आए मन में, उनका भी मन की बात छुपानी नहीं चाहिए नहीं तो और भी रोग लग जाते हैं। उसने जाकर रानी से कह दिया तो भाई मेरा पति तुम्हारे घर में राजमहल में काम करता है और तुम पर भी मेरे पति का दिल आ गया, जब तक नहीं मिलेगी मैं कुछ खाऊं भी आऊंगा नहीं। अब वो रानी क्या थी, ज्ञानवान, उसने कहा अगर मेरे एक हाँ करने पर किसी को जीवन दान मिल जाए तो उससे बड़ा उपकार क्या है, ज्ञानवान थी, उपकार क्या है। तो उसने कहा भाई एक बात है, अपने पति से कहो ये कुछ दिन, अब मैं ऐसे तो नहीं मिल सकती, मैं भी बंधी हुई हूँ मर्यादा में, वो जाकर दरिया के किनारे कुछ दिन बैठकर राम नाम का भजन कर, भजन करे, मैं इसी बहाने अपने राजा के साथ वहां आऊंगी दर्शन करने के लिए। तो मैं उसको, वो चाहता कि मैं देखना रानी को ही मिलना चाहता हूँ,
तो मैं उसको वहां पर इसे पाने मिल जाऊंगा। जब ये बात हुई तो उसने कहा कुछ भी पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर भजन सिमरन में बैठ जाता हूँ। उसने जाकर माला हाथ में ले ली और वो राम नाम जपना शुरू कर दिया। अब कुछ दिन बीत गए, राम नाम का असर, जिस राम नाम को हम जप रहे हैं, क्यों कहा जाता है तू डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम 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 कहेगा। राम नाम की महिमा है भारी, अहिल्या पत्थर से बढ़ गई नारी। जब ये बात हुई, अब राम नाम जब वो जपने लगा तो एक एक घड़ी का उस पर असर राम नाम का होने लगा। करते करते उसको ऐसी भाव समाधि लगी, नाम जपते जपते वो रंग चढ़ा, उसे कोई होश ही नहीं। अब जब ये सारे शहर में चर्चा फैली कि उस किनारे पर बैठा हुआ एक व्यक्ति इतने नाम सिमरन में मस्त है, कोई कुछ भी आता रंग बजाता है, उसे कोई होश ही नहीं। तो रानी ने कहा, रानी को तो पता था ना, युक्ति तो उसने बताई थी। उसने कहा कि भाई राजा जी, हमारे ही राज्य में नदी के किनारे एक संत बैठे हैं, चलो दर्शन करने चलते हैं। जब वो वहां पर दर्शन करने के लिए गए तो रानी ने कहा, भाई आप मेरे दर्शनों के लिए, मेरे को पाने के लिए तुमने ये सब किया, अब आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अब उसे कहाँ होश, उसे कोई होश नहीं। उसका जीवन जो था एक इतने से मात्र इतना सा कहने से कि राम नाम जप ले मैं तुझे मिल जाऊंगी। दुनियावी वस्तु को पाने के लिए उसको नाम का रंग ऐसा चढ़ा है, क्यों महाराज जी फरमाया करते थे, संतों ने भी कहा कि झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला होए, जो कोई खेले मन चित लाए होते होते हो जाए। कहते वाल्मीकि जी को तब वो नाम का रंग चढ़ा, वो राम का रंग चढ़ा। हम मानते तो है, मारे दिन कहते थे मैंने नाम वाला रंग चढ़ा दे तेरा केड़ा मूल लगता, हम गाते हैं लेकिन उसका तो मूल कोई नहीं लगता, वो कृपा करने पर आते हैं एक मिनट में क्या से क्या बना देते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी के अंदर क्या था, क्या शक्ति थी कि जो उनको तो अपने मुखारविंद से इतना ही कहते थे ना, गुरमुखों और प्रेमियों तो कईयों की समाधियां लग जाती थी। ऐसे गुरुदेव भगवान का भी जो दर्शन करता था वो अपने आप घर घाट का रहता ही नहीं था। अब बात आप सुन रहे थे माता जी के विषय में, भाई जी के स्वामी माता, उनका नाम क्या था, पूनम बहन जी का नाम महाराज जी का श्याम प्यारी और इनकी माता जी का नाम रखा था राम प्रिया। ये नाम तो महाराज जी तो कहां से कहां पहुंचा देते थे, जो गुरु महाराज जी की शरण में आ गया कहते ना वो अपने नाम के रंग में जो रंगता है। गुरु महाराज जी की विनती में हम रोज पढ़ते हैं, कीट न जाने ठिंग को गुरु कर ले आप समाज, वो तो हमारा सच्चा प्यार सच्ची श्रद्धा चाहते हैं। कहते एक निष्ठ होकर गुरु के नाम की भक्ति करो तो गुरु महाराज जी आपको अपने रंग में रंग देंगे, उसी नाम का रंग। कहते ना प्यार किसने किया, एक सेवा इस परिवार में हजूर महाराज जी ने बख्शी। हजूर महाराज जी ने, आपको पता होगा माता सेवी जी का यहाँ घर था रघुवीर नगर में प्लाट था, तो इनको उस वहां पर उस प्लाट में रहने की जगह मिली और उधर से दरबार की ओर थी, यहाँ शहरों में गाय कोई नहीं रख सकता था, तो महाराज जी ने कितनी कृपा की, गाय इनके घर में रखी, इनके पिताजी ने गाय की सेवा की। उस सेवा के प्रभाव से आज में कितना भी रंग लगा हुआ है उस सेवा का प्रभाव है। उन्होंने कहा ना कि कच्चिया च रहे हैं तो पक्कियां च रहे हैं, आज महल चुबारे तेरे कर, इन उस मेहनत के पीछे आज ये रंग जो है नजर आ रहा है। कहते ना वो जो पिलर है ना वो नजर नहीं आते, वो दब जाते हैं, लेकिन कहते ना माता पिता सब चाहते हैं हमारे बच्चे अनंत से रहे। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी हमारे दादा गुरुदेव भगवान जी वो कृपा कर रहे हैं, वो आपके सच्चे प्यार को चाहते हैं, आपका सच्चा प्यार मेरे चरणों में जुड़ जाए फिर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आज बड़ा भाग्यशाली दिन है, ये दिन हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें प्रीत करनी है तो सदगुरु चरणों में करनी है, सेवा करनी है गुरु दरबार में, क्योंकि अभी सेवा के दिन भी शुरू हो जाएंगे, रामनवमी के दिन आ रहे हैं। पहले तो बहुत सेवाएं होती थी, आजकल तो रेडीमेड सेवाएं हो गई, हलवाई बना दे बिस्तरे बाजार से, पहले तो हर घर जाकर सेवा का स्वरूप 15 दिन लगते थे, घर घर बच्चे जाते थे, शहर शहर सारे रजौरी के स्वागत के आस पास बच्चे रात को उठते, बोर्ड लगाने जाना, इश्तिहार लगाने जाना, संगतों ने आना उनके लिए बिस्तर इकट्ठे करना, सबको पहले हिदायत प्रभात फेरी में दी जाती थी, वे बस्तर अपने धोके रख लो,
संतों के लिए बसने के लिए किए जाएंगे, लेकिन आज समय बदल गया है। लेकिन जो वक्त हमें मिला है हमने सेवा कर दी है, वो सेवा नहीं तो इस सेवा में ही अपना पूरा समय दे दो। सत्संग सुन के ही अपने जीवन को परिवर्तन कर लो। जिन्होंने किया उन पर प्रभु के नाम का रंग चढ़ गया। हमने वो नाम का रंग हम सतगुरु भगवान जी के चरणों में मांगने के लिए आते हैं, उस नाम के रंग के अंदर ही आज इस घर पर वो प्रभु नाम का रंग चढ़ा हुआ है। और आज इनके इस मकान की जो इन्होंने दिया, यहाँ संतों के चरण पड़े, गुरु महाराज जी के चरण पड़े। महाराज जी फरमाया करते थे, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल भवन अमंगल दंड। गुरु महाराज जी भी आए हैं, सभी संतों के चरण पड़े। कहते ना संत तो 20-20 में, संगत 21-20 में, उसका दर्जा ऊंचा होता है। गुरु महाराज जी की संगत के भी चरण आज इस घर में पड़े। और इसके साथ साथ एक और कुछ इनके घर में पता चला कि 60 साल के बाद कन्या का जन्म हुआ। बेबी भाई जी कहते हैं मैं 60 साल की हो गई हूँ, मैं छोटी थी, अब मेरे बाद अब छोटी आई है, तो वो भी खुशियां है। और ये नवरात्रे के दिन कंचन आई है, तो इस सारे कार्य की, इन सब खुशियों की इस परिवार को बहुत बहुत बधाई। और इस घर में श्री विदारा बुद्धे परम त्याग जी का प्रभु राम का पावन अवतरण दिवस की खुशी में ये सत्संग का आयोजन हुआ, तो इसकी भी इस परिवार को बहुत बहुत बधाई। गुरुवाना जी अपनी कृपा बनाए रखे। और हम ये याद रखे कि हमने इन परमात्मियों में आज तीसरी परमात्मी तो हो गई, अब थोड़े से रह गए हैं। जो नहीं आए अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी कहो, चलो हमारे दादा गुरुदेव भगवान जी का अवतरण दिवस है, इन खुशियों में आप भी शामिल हो। इन रौनकों को आप सारा साल याद रखोगे। आज की इन शुभ घड़ियों की इस परिवार को बहुत बहुत बधाई। सतगुरुदेव भगवान नाम के रंग में रंगा हुआ है, और भी अपने नाम के रंग के अंदर रंगे, और सतगुरु की कृपा सदा बनी रहे, खुशियों से सबकी झोलियां भरी रहे। तो मैं अपने इस परिवार को इस शुभ आयोजन की बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देती हूँ। नवे घर में गुरु महाराज जी की कृपा से ये सुख से वास करें, गुरु महाराज जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जय घोष होना चाहिए, कचोरी में पता चलना चाहिए गुरु महाराज जी की संगत बैठी हुई है। बोलो जय का।